बाबू बीरकुंवर सिंह अमर रहे, बाबू बीरकुंवर सिंह अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज आजादी के अमृत महोत्सव के साल में आयोजित इस विजयोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सभी अति सम्माननीय आदरणीय नेतागण आज जगदीशपुर के इस मैदान में लाखों की संख्या में उपस्थित देश प्रेमी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, सबसे पहले विजयोत्सव के इस अवसर पर जगदीशपुर के इस मैदान में उपस्थित लाखों देश प्रेमियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही आज बीरकुंवर सिंह जी के प्रति मैं अपना फिर से सम्मान भी व्यक्त करता हूं, उन्हें अपनी पुष्पांजलि भी निवेदित करता हूं, जिन्होंने आज से 165 साल पहले जिस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी और उसके शुरुआत के 90 वर्षों के बाद जो देश को आजादी मिली, जो तिरंगा मिला, जिस तिरंगा को लेकर आज हम सब लोग खड़े हैं, आज उस आजादी के 75वें वर्ष में इस इतने बड़े संख्या में तिरंगा को लेकर एक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम सब लोग इस जगदीशपुर के मैदान में इकट्ठे हुए। वास्तव में यह तिरंगा हमारे देश का आन बान शान है, स्वाभिमान है। और बीरकुंवर सिंह जी जैसे हजारों लाखों उनके साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, भारत माता के पैरों में पड़े हुए गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, अपना घर परिवार इस भारत माता के लिए लुटाया था और अपने जीवन को इस भारत माता के लिए समर्पित करके 1947 में आजादी पाई थी और इस तिरंगा को प्राप्त किया था। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना घर परिवार इस भारत माता के लिए न्योछावर किया था, उनके कुछ सपने थे, उनकी कुछ सोच थी, उन्होंने इस भारत माता के लिए अपने जानों की प्राणों की आहुति दी थी। वह चाहते थे कि एक बार फिर से भारत स्वतंत्र हो और भारत उसी तरीके से दुनिया का नेतृत्व करे जैसे पहले भारत दुनिया का नेतृत्व करता था। और आज उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भारत एक बार फिर परम वैभव को प्राप्त करे, भारत एक बार फिर दुनिया का नेतृत्व करे, भारत सर्वशक्तिमान राष्ट्र बने। भारत कभी सोने का चिड़िया था, भारत में कभी आयुध फैक्ट्रियां होती थी, भारत शैक्षणिक दृष्टि से भी दुनिया को अपना शिक्षा की ज्योति से आलोकित करता था। आज पुनः एक बार उसी तरह के भारत को बनाने की आवश्यकता है और उसी सोच से इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, बाबू बीरकुंवर सिंह जैसे लोगों ने। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे नेता आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं कि भारत फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। और यही आज विजयोत्सव के दिवस पे हम सब लोगों को संकल्प भी लेने का अवसर है मेरे भाइयों बहनों। और हम सब लोग बहुत ही आभारी हैं अपने आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के कि आज ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम पे, आज ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हम सब लोगों के बीच आज वो पधार रहे हैं, आज उनका मार्गदर्शन भी हम सब लोगों को मिलेगा और इस विजयोत्सव की शुभकामना भी उनके द्वारा हम सब लोगों को मिलेगी। आप सब आए हुए भाइयों को भी, अब भाइयों बहनों को भी अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।